सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो गतिरोध है वो अब और बड़ी लड़ाई का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि अब चीनी मीडिया ने भारतीय मीडिया पर चिपड़ी करना शुरू कर दिया है। सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि भारतीयों की मंशा पर भी सवाल उठाया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय मीडिया पर गलतफहमी पैदा करने का आरोप लगाया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, दो एशियाई महाशक्तियों चीन और भारत के बीच में गलतफहमी पैदा करने में भारतीय मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, भारतीय मीडिया हमेशा चीन की आलोचना करने का मौका ढूंढता रहता है। भारतीय मीडिया का मानना है कि दक्षिण एशिया में चीन का हर एक कदम भारत के खिलाफ साजिश है। चीन पर अत्यधिक फोकस या चीन के प्रति नाराजगी भारतीयों की व्यग्रता को दर्शाता है। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत खुद को दक्षिण एशिया में नंबर वन मानता है, लेकिन इस इलाके में अन्य देशों के प्रभाव को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। इसके बाद एक और जो बात चीन को सबसे ज्यादा चुभी है वो है भारतीय मीडिया का ताइवान पर कवरेज करना। 19 मई को भारतीय मीडिया में प्रकाशित एक खबर में ताइवान के विश्व स्वास्थ्य सभा में शामिल होने के भारत में समर्थन करने की अपील की गई। इसे चीन ने चीन की एक चीन नीति के खिलाफ बताया है। इसके अलावा चीन ने भारतीयों को अवसरवादी मानसिकता से ग्रसित बताया है। ग्लोबल टाइम्स में छपा है कि कई भारतीय ये सोचते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता से भारत को फायदा होगा। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच कटुता बढ़े और भारतीय मीडिया दोनों देशों के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है। इसके बाद फिर यहां चीन अपनी वही दोहरी चाल भी चलता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल टाइम्स में लिखा, भारत और चीन के बीच काफी समानताएं हैं और मतभेद भी हैं। ये जरूरी है कि दोनों देश मतभेदों को समाहित करने का रास्ता तलाश करें, जबकि खुद चीन इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। तभी तो भारत पर चढ़ाई को जारी रखे हुए है। बातचीत के दौरान भी चीन अपनी दोहरी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है।